तीन ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी में यदि आपने फॉलो कर ली तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई इंसान नहीं रोक सकता। जहां मैं 4 साल से पढ़ रहा था, जहां मैंने सिलेक्शन लिया, उस इंस्टीट्यूट में एक क्लास होने वाली थी जो कि मोटिवेशनल क्लास होने वाली थी। हमारे गुरु हमें सिखाने वाले थे कि मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बना जाए, जिंदगी में लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, और यह सब सीखने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित था। मैं बहुत ही उत्साहित था, एक्साइटेड था कि बस अब तो ये मैं सीखने वाला हूं। क्लास होने वाली थी शाम को 6 बजे, 10 बच्चे इकट्ठे होने वाले थे क्योंकि वो टॉप स्टूडेंट्स थे। उनको बुलाया गया, हम वहां पर बैठे हुए थे, और उसी वक्त एक जो घटना हुई उसने मेरी पूरी जिंदगी फिर से बदल कर रख दी। मेरे गुरु आए और उन्होंने आते ही सबसे पहले यह कहा कि महेंद्र, तुम यहां से नीचे चले जाओ, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है। यहां पर जितनी भी बातें होने वाली है वो बहुत ऊंचे लेवल की होने वाली है, बड़े लेवल की होने वाली है, ये बातें तुम्हारे बस की नहीं है। जिस संस्थान के लिए मैंने 4 साल दिए थे, उनके गुरु ने मुझे ऐसा कहा, वो मेरे भी गुरु हैं, अभी भी है, लेकिन मुझे ये बातें बहुत चुभी। मैं उस वक्त उनसे कुछ नहीं कह पाया, लेकिन मैं नीचे गया और खूब रोया, खूब परेशान हुआ कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया। उस वक्त ये बात नहीं पता थी कि ये मुझे क्यों कहा गया, लेकिन आज समझ में आता है कि ईश्वर ने सब कुछ तय करके रखा था, इसलिए वो घटना उस दिन हुई थी। आप सभी ये जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि एक लड़का जिसे 7th में सेप्रीमेंट्री आई, 9th में सेप्रीमेंट्री आई, वो फेल हो गया, घर से भाग गया, गैरेज पर काम किया, आज पूरे हिंदुस्तान नहीं और भी कंट्रीज में जाना जा रहा है अपने काम के कारण। तो ऐसी कौन सी सफलता की ट्रिक्स है, टिप्स है, जो आप लोगों को यदि मैं बताऊं तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं, वही टिप्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तीन ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी में यदि आपने फॉलो कर ली तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई इंसान नहीं रोक सकता। पहली टिप, हमेशा खुद पर विश्वास करना। हमेशा याद रखना, खुद पर विश्वास करना, क्योंकि कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि जब हम काम करना शुरू करते हैं फेल होते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन कई लोग वहीं पर पड़े रहते हैं, अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में किसी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी तो करवाता था, लेकिन उनसे कहता था कि अपनी जिंदगी में वही काम करना जिसे करने में मन लगे, जिसे करने में आपको एक्साइटमेंट फील हो, जिसे करने में आपको कभी थकान महसूस ना हो। लोग मुझे कहते थे कि पागल हो क्या, तुम तो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करवाते हो, फिर ये क्यों कहते हो कि वो काम करो जिसमें मन लगे, पसंद हो। मैं उनको कहता था कि मेरा धंधा नहीं है, मैं इंसान को इंसान बनाना चाहता हूं, उसे सिखाना चाहता हूं कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। दूसरी टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप को कभी भी सस्ते में मत बिकने दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में जब एम बनाने के लिए बैठते हैं तो छोटे छोटे से एम बना लेते हैं, सोचते हैं कि ये भी हम कर पाएंगे या नहीं, खुद पर विश्वास नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अपने आप को और अपने सपनों को कभी भी लिमिटेड मत कीजिए, उन्हें बड़ा बनाइए, और अपने आप को कभी भी सस्ते में मत बिकने दीजिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा याद रखना, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना, हमेशा खुश रहोगे।